पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया है। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान ने इस्तीफा देने के बजाय कहा है कि वे आखिरी गेंद तक खेलेंगे। इमरान खान ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाने का ऐलान किया है। इसके बाद वे पार्टी और सहयोगियों की बैठक करेंगे। सबसे अंत में शुक्रवार की रात को वे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। समझा जाता है कि वे शनिवार को सुबह 10:30 बजे नेशनल असेंबली में अपने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। समझा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव का पारित होना और इमरान खान का हटना लगभग तय है, क्योंकि इमरान के पास बहुमत नहीं है। पर वे इस मौके का फायदा उठाकर अपने आप को योद्धा और पाकिस्तान के लिए अंतिम दम तक लड़ने वाला साबित करना चाहते हैं, जिसका वे चुनाव में सियासी फायदा उठा सके। इसके साथ ही इमरान खान विदेशी साजिश की थ्योरी का इस्तेमाल कर अमेरिका को विलेन के रूप में पेश करना चाहते हैं। उनकी रणनीति विपक्ष को अमेरिका का पिट्ठू और देश का दुश्मन साबित करने की भी है। इसे इससे भी समझा जा सकता है कि उनके समर्थक शुक्रवार को भी नारे लगा रहे थे, जो अमेरिका का यार है पाकिस्तान का गद्दार है। बता दें कि इसके पहले विपक्ष ने नेशनल असेंबली यानी पाकिस्तानी संसद में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा था, जिस पर बहस तो हुई लेकिन मतदान नहीं हो सका। मतदान के पहले डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी साजिश कहकर खारिज कर दिया। इसके साथ ही इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने पाकिस्तानी संसद यानी नेशनल असेंबली को भी भंग कर दिया। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यों की एक बेंच ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को गैर कानूनी करार दिया। इसके साथ ही नेशनल असेंबली को बहाल कर दिया गया और शनिवार को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने का आदेश दिया गया। फिलहाल इमरान खान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और अंतिम गेंद तक खेलने का इंतजार कर रहे हैं। क्या वे इस खेल में हिट विकेट होंगे?